देखिए शैल जी, ये मिड क्वार्टर अपडेट बजाज फाइनेंस ने दिया है, और इस मिड क्वार्टर अपडेट के अंदर उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस को लेकर किस तरह का इंपैक्ट लॉकडाउन में देखने को मिला, इस पर बातचीत की है। शुरुआत की है उन्होंने B2B और ऑटो फाइनेंस बिजनेस को लेकर, जहां पे B2B कारोबार के अंदर करीब 30% के आसपास वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला, और ऑटो कारोबार के अंदर रफली ऑटो फाइनेंसिंग कारोबार के अंदर करीब करीब 60% के आसपास का एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। उन्होंने कहा है कि जो प्लांट लेवल है उससे थोड़ा सा डाउन साइड आता हुआ दिखाई पड़ा है, इन दोनों ही नंबर्स के अंदर हाफ के आसपास का वेरिएशन आया है, और क्योंकि 15 अप्रैल के आसपास से लॉकडाउन लगा था तो उसका इंपैक्ट मेजरली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के अंदर खासतौर से आता हुआ दिखाई पड़ा है, वो मई तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है। जून मिड से रिवाइवल आएगा और वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी वापस ईज आउट होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, और जुलाई ऑनवर्ड सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होते हुए दिखाई पड़ सकती है। मेजरली अदर सेगमेंट जो है वहां पर इतना इंपैक्ट नहीं है, डिसबर्समेंट्स करीब करीब 85% के आसपास है, लेकिन हाँ B2B और ऑटो फाइनेंसिंग कारोबार के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। ओवरऑल इसका इंपैक्ट ये रहेगा कि FY22 के लिए उन्होंने अपनी ग्रोथ का जो इंपैक्ट है वो 2-3% के आसपास का वो देख रहे हैं, सब्जेक्ट की सेकेंड हाफ के अंदर वहां पर कुछ पिकअप होता है तो शायद रिवाइव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ 2-3% के आसपास FY22 में एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ ऑप्टिमिस्टिक होंगे जून ऑनवर्ड्स, तो उस लिहाज से भी आप जरूर नजर रखें। जांच फ्रेंड्स पे आपको याद होगा कि जब नतीजे ग्राफ देखें तो का सिलसिला खत्म हो जाता है, तो हम क्वार्टरली अपडेट्स को फोकस करते हैं, वो मैनेजमेंट की टिप्पणियां जो कि अपने बिजनेस को लेकर नए क्वार्टर को लेकर अगर आप देखें वो करते हैं। अब बजाज फाइनेंस के इस क्वार्टरली अपडेट पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या है, रीड कैसे वो कर रहे हैं, बात करते हैं यतिन से। यतिन गुड मॉर्निंग, बजाज फाइनेंस की इस टिप्पणी पर, क्वार्टरली अपडेट पर यतिन, हाउस व्यूज क्या है, टारगेट्स क्या दिया जा रहे हैं इस स्टॉक पे, ये दोनों ही स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है B2। तो देखिए वीरेंद्र, जहां तक की बजाज फाइनेंस का सवाल है, ब्रोकरेजेस डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो क्वार्टरली अपडेट है उसमें ना ही ग्रोथ की एस्टिमेट मैनेजमेंट ने काटी है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। और अगर आप बात करें मॉर्गन स्टैनले की, तो उनका लक्ष्य काउंटर पे लगभग 6,000 रुपए आउट परफॉर्मर रेटिंग बरकरार है। हालांकि उन्होंने जो अपनी EPS यानी मुनाफे की जो एस्टिमेट है आगे चलते हुए, वो अनुमान को लगभग 6-12% के बीच में काटा है। छोटी अवधि में शायद दबाव मुमकिन दिखेगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है ये क्वार्टरली अपडेट के बाद। अगर आप बात करें JP Morgan की, तो जो ग्रोथ में 3% की कटौती की है बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट ने, और क्रेडिट कॉस्ट को लगभग 80 पैसे से बढ़ते हुए दिखा है, तो शायद इसका असर सीधे सीधे इसके मुनाफे पे हो, ऐसा JP Morgan का मानना है। इसके अलावा दूसरी छमाई की जो ग्रोथ है उसमें रिकवरी की उम्मीद है, तो जो फर्स्ट हाफ है वो शायद वॉश आउट हो गया है कोविड के चलते, तो सेकेंड हाफ का डेटा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा JP Morgan का मानना है। और अगर आप सिटी की भी बात करें, तो उन्होंने अपनी अर्निंग्स यानी मुनाफे का एस्टिमेट जो है वो लगभग 2-3% तक काटा है, और उनको लगता है कि शायद आगे चलते हुए आपको ग्रॉस NPA कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दें, उनका लक्ष्य लगभग 5,800 रुपए। चलिए, ये आपके सामने कुछ अहम डेवलपमेंट्स बजाज फाइनेंस की तरफ से आते हुए दिखे। लॉकडाउन की वजह से जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है शायद उसमें आपको हल्का सा छींटा लगता हुआ दिखे, लेकिन स्टॉक क्या करता हुआ दिखेगा आज ये आपको बताएंगे मानस जायसवाल साहब। मानस जी, हम लोगों ने बढ़िया मूव पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में बजाज फाइनेंस में आता हुआ दिखा है, कुछ समय के लिए 6,000 के पार गया, और ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आपके लिए आते हुए वीकेंड पर, बताइए चार्ट्स पर पोजिशनली बजाज फाइनेंस कैसा लगता है, कोई डिप की संभावना, और अगर हाँ तो कौन से लेवल पर बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए? देखिए एक चीज बहुत क्लियर है चल जी, कि फेब के हाइज ब्रेक हो गए हैं, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो करीब 6,768 की रेंज में आता है, तो यहाँ से भी 7-8 सौ रुपए का अपमूव तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि 4-5 दिनों में हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली है तो एक डिप आ सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, चाहे 59.20-59.40 की रेंज में स्टॉक आ सकता है, लेकिन वो इस तरह अगर आते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया खरीदारी के स्तर होंगे। मेरे हिसाब से गिरावट पे खरीदारी करिए, 5750 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और एक शॉर्ट टर्म के टारगेट करीब 6100 के सेट करके चलिए। हालांकि 6700 के जो मैंने टारगेट दिए हैं वो इंटैक्ट है, और उम्मीद करती करिए कि आने वाले 3-6 महीने में स्टॉक 6700 के डिविडेंड भी टेस्ट करेगा। चलिए, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत किया हमारे डायरेक्टर साहब ने,
और पिछले हफ्ते आपने यहाँ पर लगभग 370 अंक का इजाफा देखा है, रिकॉर्ड हाई पर काउंटर बंद हुआ। हल्की सी डिप आपको बजाज फाइनेंस में खरीदनी है, ये राय जायसवाल साहब आप